सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। जैसा कि मुझे आप लोग जानते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक ट्रेनर हूं और मैंने आखिर एक प्रण लिया, एक निश्चय किया कि लोग जो पैसा डुबो रहे हैं और बिना नॉलेज के, और अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है माइंड साइकोलॉजी इतनी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं और कंटिन्यू उनका नुकसान होता रहता है। मैंने एक दृढ़ निश्चय किया अपनी लाइफ में कि आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। अगर समय है तो मुझसे सीखिए। और ये वीडियो का एक पार्ट चालू होने वाला है जिसमें आप लोगों को देखना होगा कि जो लोग मेरे से इस दौर में जुड़े हैं, मैं ऐसे ही नहीं जोड़ता हूँ, उन्होंने कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का वादा किया है। उसके आधार पर मैंने लोगों को अपने साथ इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाने का वादा किया है। ठीक है, समय चाहिए 6 महीने से 12 महीने, अगर हो तो ज्वाइन कीजिए। और रात को ही क्लासे मेरी चालू होती है, नाइट स्टडी करता हूँ। तो यहाँ कुछ लोग इन्वाइट कर रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, है ना। ओके अब धीरे धीरे इनवाइट किया है लोगों को। आवाज आ रही है मेरी? अपने हाँ साथ सर, आ रहा है। बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते, कोई नहीं है, चुप यही पे है सब है। अच्छा, सब आपकी क्लास चल रही है क्या? है। यस, वॉइस आ रही वॉइस है आ रही है? क्या? मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लोगों को जुड़ने दीजिए, इसको हटा देते हैं यहां से। अभी वॉइस बताइए एक बार, कोई बीच में प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आवाज तो आ रही है ना, दोबारा देखना एक बार, दोबारा रिकॉल कीजिए, दोबारा रिकॉल कीजिए आवाज का। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे, शायद सुनाई नहीं आ रहा मुझे। मेरी मेरी आवाज आ रही आवाज है? आ रही? हेलो हाँ हेलो, सर, इको नहीं 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 प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ प्रॉब्लम आ ये रही। ये क्या क्या हो हो गया? गया? एक मिनट एक मिनट, मैं अपना मैं माइक अपना माइक ऑफ ऑफ करके फिर करके आपको फिर बोल आपको रहा बोल हूँ, रहा फिर हूँ, ठीक सुनिएगा। है? बोलिए। नहीं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे सर। अब नहीं आ रहे, आपका आवाज नहीं आ रही सर। आप बोलिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ओके। चलिए आने दीजिए कुछ लोगों को। किस किसने क्या क्या प्रैक्टिस की कल से अभी तक, आज तक प्रैक्टिस की क्या नहीं की? चलिए आने दीजिए कुछ लोगों को। सर हाँ नहीं भाई, कर पाया, थोड़ा मैं पानी वानी पी लूँ, एक बार वापस आ रहा हूँ जब तक, है ना। मेरे हाथ में मोबाइल ले रहा हूँ, इनवाइट होगा तो उसको कर लूंगा मैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को आने आ जाने दीजिए थोड़ा सा ना, लोग आ जाए तो इनवाइट कर लेते हैं। बात कर रही है तभी।
ओके, आने वाले आते रहेंगे अब धीरे धीरे, है ना। मैं चालू करता हूँ क्लास को। और अभी किसी का, राधे राधे, किसी का कोई क्वेश्चन तो पहले पूछ लीजिए मुझसे। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो आप, कोई भी जिसने तैयारी की हो या फिर कोई क्वेश्चन हो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के दौरान या मन में कोई डाउट हो वो क्लियर कर लीजिए अपना अभी तक जो लोग हैं उनमें से। बाकी आने वाले से बाद में पूछेंगे। नहीं है, ठीक है, चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, ठीक है। उसी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप लोगों को ये बताना है जल्दी जल्दी से, जैसे मैं कोई अननोन मार्केट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी डेट जो रैंडम डेट होगी, और डेट निकाल लेते हैं अगर 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल की एक्सपायरी भी 18 अप्रैल ले ली मैंने, और समय मैं कर देता हूँ उसमें। चल, एक ऐसी चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आप लोगों का डर खत्म करेगी, ठीक है। एक ऐसी चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपका डर खत्म करेगी। हाँ, मार्केट में अचानक आईवी की वजह से कुछ हो जाता है तो एक अलग बात है, आईवी को ध्यान रखिएगा। बस आईवी का उस वक्त ध्यान रखना होता है कि आईवी की वजह से वो इम्पैक्ट कर जाएगी, है ना। आईवी को सुबह मॉर्निंग में देख लीजिएगा, अगर वो रहती है तो आपका डर खत्म कर रहा हूँ। आज 9:16 मैंने डायरेक्ट 16 ही किया डायरेक्ट, ठीक है, 16 AM पर। देखना तरीका, देखना इसको, है ना, मार्केट को देखने का, डर खत्म करने का। चलिए, मार्केट अभी क्या है, मार्केट में अभी अपर और डाउन रेंज, स्क्रीन शेयर कर, बस बस लो 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 लो, गीतराम जी ये आपकी स्क्रीन दे देते हैं आपको, ये आपकी स्क्रीन दे देते हैं। चलिए, ये आ गया आपके पास में स्क्रीन, आ गई शेयर करने का, ठीक है। अब गौर से देखिए, मैंने डेट निकाल ली है और अभी आपको एक रेंज निकालनी है मार्केट में। रेंज निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको। आईवी क्या है सुबह पहले 10 की, ठीक है, अब इसमें आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले चूंकि मार्केट ये बिल्कुल सटा हुआ है और ऊपर मुझे 86% यहां दिख रहा है, ठीक है ना, और यहां पे 84% दिख रहा है, और यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। या तो मेरा आवाज कैसे आ रहा है, एक मिनट देखता हूं, चेक करता हूं। आवाज से मैं अपनी आवाज डाउन कर देता हूँ ना, सुनने की तो आपको सही आती है आवाज। हाँ, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ अभी, है ना, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, है ना। उसको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उसको शाम को ठीक करवाएंगे ना। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, अचानक कोई बटन की मेरे से ऐसी दब गई है, शाम को वो बॉय आएगा ना, लड़का आता है वो हमारा, वो आके ठीक करेगा। कुछ सिस्टम में कुछ मैंने कुछ ऐसी चीज दबा दी, मैं करूंगा तो ज्यादा गड़बड़ा जाएगी ना, क्लास लेना भारी पड़ जाएगा। अब सुनिए, सबसे पहले मार्केट में मैं ये मान के चल रहा हूँ, एक बार की जो मैं मान रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मार्केट में सबसे नीचे एक लाइन बना लीजिए 142, लिख लीजिए अपने पास में इस डेट को। वैसे नॉर्मली 22,142 ये लाइन बना लीजिए कि ये हमारी EOS-1 बना लिया हमने, ऐसे मान लीजिए ये सपोर्ट पूरा शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोर्ट पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर अभी देखते हैं होगा नहीं होगा, तो अभी एक बार मान रहे हैं खाली कि शायद ये थोड़ी देर में सपोर्ट पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में ईओएस की जो लाइन बनाई है वो 22,142, यानी कि आज के दिन का मैं बॉटम मान के चल रहा हूँ, मैं बॉटम मान के चल रहा हूँ इसको ना, और टॉप मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे होगा, शिफ्टिंग ऊपर कर जाएगा, ये यहाँ करेगा कहाँ करेगा पता नहीं अभी तक, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, कहीं एक बार शिफ्ट होने देते हैं पहले, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं पहले, है ना। हमने नीचे तो निकाल लिया, देखिए होता है तब तो वैसा करेंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे, जो हम डायरेक्ट निकालने के तरीका निकाल रहे हैं। तो इसको करते हैं 9:35, तब तक तो कुछ साफ हो गई ना मार्केट, देखिए हो गया शिफ्ट, ये मतलब ये शिफ्ट हो गया, मैंने कहा था सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो मेरी नीचे की लाइन तो क्लियर कर दी मैंने। अब चूंकि ये मार्केट में ऐसा लग रहा है मुझे जो वीक टू टॉप, तो मैं मार्केट एक टॉप बना देता हूं मैं 380, ये दो लाइन है मेरे पास, 380
380 हो गए ना, 22 380, दो लाइन मेरे पास बन चुकी है, यानी कि मैंने टॉप और बॉटम ढूंढा अभी तक। लेकिन अगर मार्केट में दोबारा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा उसका एक ही कहानी होगी कि सपोर्ट है ना ये रेजिस्टेंस है ना वो वीक टू टॉप होके शिफ्ट होगा तो ही इसको ब्रेक करेगा वरना नहीं ब्रेक करेगा इस लाइन को। यानी कि नए पैलेस पे वीक टू टॉप होके शिफ्ट करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट में हमें ट्रेड लेनी है कहां से, पुट का ट्रेड लेना है 380 से जो बिल्कुल सेफ है, और कॉल खरीदना है 122140 के आसपास से। ये दो लाइनें हमारी काम कर रही है। अब इसकी सीधे चार्ट पे चल जाइए, सीधा चार्ट निकालेंगे इस डेट काम पे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये मैंने दो लाइन बना ली सुबह कितने बजे, बिल्कुल क्लियर करके 9:35 पे भैया मैं मार्केट में ये करने वाला हूं आज। अगर इसमें कोई बदलाव जो मैंने बता दिया क्या बदलाव होगा वो भी देख लिया है मैंने, सब कुछ देख लिया। अगर दोबारा से वीक टू बॉटम हो जाए तो मार्केट फिर यहां से ही पलट जाएगा, कहां से 335 से, वरना वहां जाएगा जो हमने लाइन बनाई है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब सीधा टाइम निकाल देते हैं हम लोग, यहां पे मैंने एक टाइम डाला क्योंकि मुझे ज्यादा देर वेट नहीं करना है। मैं देख रहा हूं भाई ये काम देखे 11:30 के आसपास तक हो गया क्या, ये काम 11:30 तक हो गया था, ये देखना है। देखने का तरीका क्या हुआ, अभी तो मार्केट नहीं आया, अभी तो वहीं पे घूम रहा है, लेकिन वापस वीक टू बॉटम हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये वापस वीक टू बॉटम हो गया तो ऊपर जो लाइन बनाई थी आप उसको बंद कर दीजिए, वापस ऊपर जो लाइन बनाई थी ना आपने उसको बंद कर दीजिए। यानी कि आप लाइन में आपका जो टॉप रह गया ये वाला, कौन से वाला, ये वाला, अब ऊपर से खत्म कर दीजिए लाइन को, 335 पे लाइन बना दीजिए। अब आपका टॉप है 335 बस, यानी मैंने ऊपर की लाइन कब खत्म कर दी मार्केट में वीक टू बॉटम। लेकिन अगर ये वापस हट जाएगा तो वापस मेरी ऊपर वाली ब्लैक लाइन सेफ बन जाएगी, ये वाली 380 वाली, ये ध्यान रखिएगा, बात को हमेशा सोच लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये वापस बन जाएगी लाइन, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। मार्केट अभी कहीं पे भी नहीं आया, मेरी जहां पे खरीदने की कोई जगह पे नहीं आया मार्केट। अच्छा सीधा चार्ट निकालेंगे हम इसका, है ना, चार्ट निकालेंगे, जल्दी जल्दी चीज बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी कैसे लाइनें बना के अपने आप को ट्रेड में आप बरकरार रख सकते हो। फिर तरीका तो पूरे हफ्ते में आपको, अगले महीने तो यही होने वाला है, क्लासें कुछ स्पेशल चलेगी आपकी। तो यहां देखिएगा आप, अब मैं सीधा चार्ट निकालूंगा, और डेट कौन सी है ये वाली, 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल को जाके देखिएगा, सीधा 18 अप्रैल को देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। हमने दो लाइनें बना ली, तरीका बता दिया क्या क्या होना था, वही इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए मार्केट, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर कट हमें पैसे पहले पता चला। अप्रैल मई और ये अप्रैल, 18 अप्रैल की डेट निकाल लीजिए सीधा, ये 18 अप्रैल गोइट सीधे चले गए हम लोग 18 अप्रैल। अब आपके सामने मैं सीधा चार्ट ला रहा हूं, ये सीधा चार्ट पेश कर दिया मैंने आपके सामने। मार्केट का टॉप क्या बनाया था मैंने, फाइनल टॉप क्या बनाया था मैंने, फाइनल टॉप क्या बनाया था मार्केट का ना, 180 ने, इसके बाद तो मैंने कम कर दिया था ना टॉप, मार्केट का टॉप मैंने 335 कर दिया था ना, किया था कि नहीं किया था, कब कर दिया था मैंने, जैसे कहा था वीक टू बॉटम हो गया तो मैं टॉप को कम कर रहा हूं ये बोला था मैंने। ये तरीका बता रहा हूं आपको, ये देखिए ये ब्लैक लाइन कर दी थी हमने उस वक्त, मतलब इसको ये, वैसे तो ग्रीन है ये लाइन, ये वाली मेरे ब्लैक लाइन का काम खत्म हो गया वहां पे। मार्केट कहां पे गया, ऑलमोस्ट वहीं पे, बिल्कुल उसके आसपास है, 28 के आसपास से रिटर्न हो गया। नीचे क्या बोला था मैंने, बॉटम क्या रहने वाला है, 22142, ये बोला था 22142। मार्केट में 22142 पे चले, चलिए नीचे नीचे चलिए, ढाई बजे तक आ जाइए, अब इसको ढाई बजे तक लीजिए, जो ये लास्ट टाइम हम ढाई बजे तक करते हैं एलटीपी वाले, तो मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे आया है, यानी कि एक डायवर्जन नीचे गया, इसका मतलब सपोर्ट क्या हुआ होगा, सपोर्ट क्या हुआ होगा, इसका मतलब समझिए पहले आप, ये वाला, ये पहले हमारी क्या थी, ब्लैक लाइन थी, ठीक है नहीं, यानी हमने जब सुबह पहले मार्केट निकाला था
तब तक ये हमारा बॉटम था कि नहीं था? ब्लैक लाइन तो बॉटम था ना हमारा, सुबह पहले जब हमने मार्केट को क्लिक किया 35 पे, तो ये बॉटम था, बॉटम था। अब एक चीज बता रहा हूं कि मार्केट में इसके बाद गिरावट क्यों आया, इसका कारण होगा तभी तो आया होगा ना मार्केट, ऐसे थोड़ा आया होगा भाई। कोई कारण कितने बजे बना होगा ये बताइए? कारण बना होगा जब मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन बना होगा इस जगह पे, इस जोन में, जब मार्केट यहां से डरा रहा होगा लोगों को कि वो इससे ऊपर कहीं ना निकल जाए, कुछ समस्या ऐसे लग रहा होगा, अपने EOR प्लस वन तक ना चला जाए, यही हो रहा होगा ना सबके साथ में भाई। अपने EOR प्लस वन तक, EOR तक जा रहा था लेकिन EOR प्लस वन तक नहीं चला जाए इसका डर था, और मैंने सुबह कह दिया था मार्केट इससे तो ऊपर नहीं जा रहा, तो वीकेंड बॉटम बना दिया उसने, इसलिए इसका काम खत्म कर दिया था उसने EOR प्लस वन का, तो ठीक है। और चूंकि मार्केट पहली बार वहां पे जा रहा था, EOR से रिटर्न कर दिया। अब चूंकि मार्केट में ऐसा कोई कारण बना होगा, ये काम तो हमने जो लाइन बनाई थी तो ऑलमोस्ट इस जगह ही बना ली थी, जब ये कैंडल बन रही होगी ये वाली, हमने तो अपनी अपनी फाइनल लाइन उसी वक्त दे दी थी। तो पहले मार्केट ने क्या लिया, नीचे देखो आप आके, नीचे देखो एक बार, इसी टाइम पे नीचे देखो, पहले मार्केट ने अपना ब्लैक लाइन ली कि नहीं ली? मार्केट ने ब्लैक लाइन ली ना, और फिर मार्केट ऊपर गया। देख रहे हो उस चीज को, गौर से देखो, पहले इधर का काम कंप्लीट कर दिया, फिर मार्केट ने दूसरा काम कंप्लीट कर दिया, यानी पहले इधर आया, यहां से जिसने ट्रेड ली वो यहां तक का ट्रेड बनाया, यहां से मार्केट काफी देर रहा, पूरा का पूरा एक ही कैंडल नीचे पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट इस जगह आके नीचे गिरा? ये दो डेढ़ बजे क्या शिफ्टिंग हुई, अब उसको वापस चल के अपने वहां देखिए कहां पे, चलिए अब यहां पे आ जाइए हिस्टोरिकल पे, मतलब मार्केट ने वो काम किया आपका, पहले आपको अपने नीचे बॉटम से दी जो हमने लाइन बना दी और डरे नहीं कि भाई यहां से ट्रेड लेना है, और दूसरा ट्रेड ऊपर तक गया, ऊपर से दे दिया डेढ़ बजे मार्केट में, डेढ़ बजे मार्केट में सीधा डेढ़ बजे का समय निकालिए। अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ मार्केट के उससे नीचे गया, बताइए आइडिया लगाइए क्या हुआ, मैं बताऊं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? रजिस्टेंस दोबारा इसी पैलेस पे 200 पे आ गया होगा, और सपोर्ट में वीक टूवर्ड बॉटम की परसेंटेज ज्यादा हो गई होगी, बस डेढ़ बजे अभी मार्केट में ये जगह है, ठीक है। यहां से कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, रजिस्टेंस वापस नीचे आया होगा और सपोर्ट वीक टूवर्ड बॉटम बन के बैठा होगा, पूरा शिफ्ट नहीं हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, शायद वीक टूवर्ड बॉटम की परसेंटेज हाई होगी। अब डेढ़ बजे चल चलते हैं, अब डेढ़ बजे चल चलिए, 1:00 ऑलमोस्ट, अच्छा अब बताओ अभी भी कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ दिख रहा है क्या? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, अब कुछ नया दिख रहा है क्या मार्केट में आपको? परसेंटेज पे नजर बनाइए, उसके आगे जो हुआ वो दिखेगा आपको, क्या हुआ है आप देखो, आपको दिखेगा कुछ नया इसी वक्त दिखेगा आपको, अगर देखोगे तो गौर से। मार्केट चल रहा है 196 पे, अभी भी हमारे 142 पे नहीं है मार्केट, अभी ऊपर वो कैंडल गिरने वाली तेजी वाली गिर रही है, गिर रही है। अब देखो आप यहां पे 74% है, ये देखोगे ना 100 पे 74% है, अगर यहां पे परसेंटेज दोबारा तेजी से बढ़ी, ओआई ड्रॉप हो गई, जो ओआई देखो यहां पे 5 लाख, यहां पे 10 लाख, यहां पे 10 लाख, यहां पे 4 लाख, अभी मार्केट में जब तेजी से गिरेगा तो ये देखना कहां ओआई चेंज उड़ता है, आपको खुद को पता चलेगा, यहां 7 लाख ओआई, यहां 3 लाख। अब देखना मार्केट एकदम से जब बड़ी कैंडल बनेगी तो सब डर जाएगा, इधर का सब डर जाएंगे, जगह छोड़ देंगे, अपने आप ही नीचे गिर जाएगा मार्केट, उसके परसेंटेज भी देख लेगा, वीक टूवर्ड बॉटम हो जाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टूवर्ड बॉटम बनेगा, जहां तक मेरा आइडिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टूवर्ड बॉटम बनेगा जहां तक मेरा आइडिया। समय निकालिए, 1:33 सीधा इसको कर लीजिए, 1:50 हो गया, 81% 82% गया, अब 80% के बाद तो मार्केट नीचे जाना तय है, 48 तक भी चला जाएगा, हो सकता है इससे भी नीचे गिर जाए, 100% यहां से विक्टोर बॉटम दिख रहा है ना आपको, तो मार्केट नीचे गिरेगा। अब इधर देखिए, जो पहले इधर 10 लाख की ओआई वगैरह दिख रही थी गायब, सब गायब,
अब इसको बोर्ड से मार्केट को पूरा आराम से देखना, पूरा समझ में आएगी। ये चीजें देखने की होती है, ये चीजें देखने की होती है। आइडिया पहले से लगता है कि क्या क्या मार्केट कर सकता है। मैंने क्या कहा, 1:30 बजे तक तो हमारा काम कर दिया, 1:30 बजे बाद दोबारा मार्केट में नई चीज दिखी और पहले से आइडिया हो गया कि मार्केट और नीचे जा सकता है, और जाना अचानक हुआ, एक साथ नहीं हुआ, वो अचानक वाला फॉर्मेट लागू हुआ यहां पे, अचानक वाला फॉर्मेट, और मार्केट 146 पे, और अब भी मार्केट नीचे जा रहा है। हमारे को 142 निकाला था ना, तो अब आपको देख रहे हो शिफ्टिंग्स कैसे होगी। अब थोड़ा फिर आगे बढ़िए, अब चूंकि हमारे अभी मार्केट वही है जहां हमने अपनी ब्लैक लाइन बना रखी थी, लेकिन उससे नीचे अभी भी नहीं गया, लेकिन जाने का कारण देखना, कारण पता दिखेगा आपको। अब यहाँ पे हर चीज का कारण होता है, यहां से 100% है, यहां पे 85% है, तो मार्केट कहां तक गिर सकता है, 0.47 तक, साफ साफ दिख रहा है 0.47 तक मार्केट गिर सकता है, ये पहले ही पता चल रहा है। फिर मार्केट बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, ऑलमोस्ट आपका समय कर देते हैं 2:38 में आ गई, 136 पे मार्केट, 112 गिर रहा है मार्केट, शिफ्टिंग और यहां पे नीचे आ गई है ना, हो गई शिफ्टिंग, हो गई शिफ्टिंग। अब चूंकि मार्केट का टाइम खत्म, अब इसके बाद तो मार्केट कहीं पे भी गिरो, टाइम ही खत्म हो चुका, यानी कि जो 30-32 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो कारण पहले से दिख रहा है, यहां पे कारण पहले से दिख रहा है आपको कि मार्केट में अब हम कॉल नहीं ले सकते, हम कॉल नहीं ले सकते इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में शिफ्टिंग नीचे हो चुकी। तो लास्ट पॉइंट पे कोई गलती ऐसी मत कर बैठना कभी भी कि मार्केट में छोटे पॉइंटों के चक्कर में अपना पूरा पैसा आया हुआ बर्बाद कर दो। ये शिफ्टिंग्स को समझने के लिए क्लासों को थोड़ा ध्यान से देखा करो, ये शिफ्टिंग्स कैसे होती है और ये ओआई चेंज वगैरह कैसे एक साथ लाखों की संख्या की उड़ जाती है। चलिए अब यहां पे एक बार वॉइस नोट सुन लेते हैं विनय सर का, आ रहा है क्या, देखें
चलिए अब देखिए, ऐसा नहीं था, उन्होंने जो शुरू में प्रेडिक्शन किया विनय सर ने, उनकी सोच सही थी, और बाद में मार्केट में बदलाव आ गया भयंकर वाला, जो 1:30 बजे के बाद में ऐसा हुआ कुछ धीरे धीरे, तो उन्होंने बनाया था 9:35 के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन देखा, दोनों टॉप और बॉटम जो मैंने फाइंड किए वही उन्होंने फाइंड किए, मार्केट उसी वैल्यू को हिट करा, और 1:30 बजे बाद में अचानक मार्केट में मोमेंटम चेंज हो गए, तो उनकी वीकली रेंज भी जो मान के चल रहे थे सपोर्ट नहीं टूटेगा वो भी टूट गई, चलो। लेकिन चूंकि अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि मार्केट में देखना खुद को आना चाहिए, इसलिए हम आपको सिखाते हैं कि मार्केट खुद को देखना आएगा, हमारे वॉइस नोट के बाद में मार्केट में कुछ नई चीजें बन जाती है, चाहे मैं हूं, विनय सर हो, अमित सर हो या कोई भी हो, तो भैया समय के बाद में बहुत देर समय 2-3 घंटे होने के बाद में कुछ नया हो जाए तो उसके लिए आपको खुद को देखना आना चाहिए, तो जैसे जैसे आपको देखना आएगा आप अपने आप ही मार्केट में, जैसे आप मुझे वॉइस नोट आप देखते हो लाइव मार्केट में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं तो अभी मिलाता हूँ कभी कभी आप लोगों सामने हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन बन गया 4 घंटे का, फिर सोचते हैं चलो विनय सर ने क्या प्रेडिक्शन कर रखा है, तो वो सुन तब सुनते हैं, वरना हम लोग तो सुनते ही नहीं है ना, और यही आदत आपकी डालता हूँ कि अपना प्रेडिक्शन खुद निकालिए, क्योंकि मार्केट में जब वॉइस नोट डाला जाता है उस समय समय कुछ और होता है, और मार्केट में समय के बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाते हैं, तो मार्केट में वैसे ही आप लोग अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके और उसका वे कौन सा है, रास्ता कौन सा है, क्या कर सकता है, वो आप खुद फाइंड कीजिए। किसी का कोई सवाल है मार्केट में इससे आगे आपका? चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाली डेट हो गई, अब इसके बाद एक और डेट निकालते हैं 25 अप्रैल, समय वही है, तरीका बता रहा हूं कैसे ज्यादातर आप मार्केट में पहली बार जो काम होता है उसको कैसे पकड़ सकते हैं, बाद में तो समय के बाद में मार्केट बदल जाता है, वैसे वापस चलते हैं, अब यहां पे समय ले लेते हैं 9:20 का, 9:20 AM पर वही तरीका, 2 लाइनें बनाइए और शुरू में कुछ लाइनें बना के छोड़ दीजिए, ये दिख रहा है सामने, अभी एक बहुत बड़ी रेंज दिख रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 400 के आसपास, तो मैं मार्केट का टॉप बना लेता हूँ एक 462, मैंने 462 टॉप बनाया मार्केट का, ठीक है ना, और चूंकि यहाँ वाले मार्केट में ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर दिन भर मार्केट कंसोलिडेशन ज्यादा रहेगा जो अभी दिख रहा है, अगर ये इधर प्रेशर बनाने लग गया ना इधर कंसोलिडेशन, और ये हट गया तब बेरिश प्रेशर बन जाएगा, ये हट गया तो बेरिश प्रेशर बन जाएगा, तो मार्केट का बॉटम कहाँ हो सकता है 220 या 200 के आसपास, तो एक मार्केट में नीचे बना लीजिए, अभी तक के डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट इस जगह पे आपके 220, यहां पे आपको एक कॉल खरीदने को मिलेगा सेफ होगा, एक बार कॉल खरीदने को मिलेगा सेफ होगा आपके लिए, 220 बनाया मैंने जो भी, इसलिए कि अगर मैं मार्केट ये डब्बा हट गया तो, ये हट गया तो मैंने 220 से कॉल खरीदना सेफ बनाया, ऐसे ही टॉप मार्केट में जो मैं मान के चल रहा हूं 200 462 का मान के चल रहा हूं 462, ये दो तो संभावना है पक्की है मार्केट में, ये दो संभावना है मार्केट, इसको तोड़ने के पीछे कोई कारण बनाना पड़ेगा, फिर पहले मार्केट इस वैल्यू को जरूर समर्थन करेगा, रिवर्सल देगा यहां से, ये पक्का दिख रहा है। अच्छा इसमें क्या हो सकता है वो बताता हूं, वो जरूर बता देता हूं, अगर मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाए तो मार्केट ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस शिफ्टिंग यहां से जगह छोड़ दी इन दब्बों ने और ये ऊपर, तो फिर एक क्या होगा बुल रन बन जाएगा, बुल रन ध्यान रखिएगा, बुल रन पहले ही बोल रहा हूं, बुल रन, और सपोर्ट अगर यहां पे कहीं पे ऊपर आ गया तो ये बुल रन बन जाएगा, ये समय के बाद पता चलेगा, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि मार्केट में जो पहला टिक है उससे लग रहा है 462 टॉप और बॉटम 220 या इस जगह पे से मार्केट रिएक्ट कर जाएगा वापस, या फिर ये संभावना है, तो इसको सीधा देखते हैं, दो चीजें मैंने एक लाइन बना के तय कर रहा हूं, वो आप लोगों को हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में काम आएगी, जिससे आप एक्स्ट्रा जाने का कारण खुद में खुद ढूंढ लेना, एक्स्ट्रा जाने का कारण फिर बाद में प्रैक्टिस किया करो, क्या फिर उसको चार्ट को बार बार मत देखो, चार्ट को बार बार मत देखो, बस खाली एक नजर मारी भाई क्या हुआ, फिर कारण आपको वहां जाके ढूंढने। चलिए चार्ट निकालते हैं वापस, सीधा डेट निकालेंगे, डेट थी इसकी 25 अप्रैल थी ना, ये निकाल दी हमने 25 अप्रैल, ये रहा बुल रन हो गया,
कारण कारण क्या बताया था, कारण क्या बताया था मैंने कि अब यहां पे कारण बुल रन का, लेकिन वो दो लाइनें बनाई है पहले, 220 वाला बॉटम, 220 वाला बॉटम, तो ऑलमोस्ट यहां पे ये देखिए 220 का बॉटम है ये, कहां पे गया 220 का बॉटम नहीं ले रहा है नीचे, तो वो तो नहीं लिया मार्केट ने, वो तो नहीं लिया मार्केट ने, ये तो बुल रन में बदल गया, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस भाग गया वहां से अपनी जगह छोड़ के भाग गया इसका मतलब, और टॉप क्या था 462, क्या रुका था मार्केट 462 पे, वो भी देखने की चीज है, क्या 462 पे मार्केट रुका था, 462 लेके आई इसमें, ये रहा। ये रहा ये ब्लैक लाइन, एक बार इसने हिट करके मार्केट को नीचे गिरा दिया, देखिए मतलब कुल मिला के काम करता है ये, फर्स्ट बार काम कर गया वो प्रेडिक्शन, और मार्केट ने रिएक्शन नीचे दे दिया, ये फर्स्ट बार, ये ऊपर गया नीचे तो नहीं आया, लेकिन जब इस जगह पहुंचा तो मार्केट ने रिएक्ट करके मार्केट को कितने पॉइंट नीचे भेजा 462 से, ये देखिए 458 है इसको 62 पे, यहां 5-7 पॉइंट एक्स्ट्रा चला गया है ऊपर, ठीक है, यहां से मार्केट में 462 से जब मार्केट नीचे गिरा है तो कहां तक गिरा है ये भी बता देता हूं, यहां तक 340 तक, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट आपको दिए उसने मार्केट ने, ये ट्राई किया कीजिए, ये चीजें निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये मैं क्या कहता हूं लाइव मार्केट में भी आपको काफी हेल्पफुल होती है अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे तो, आप उस जगह पे नहीं आए, पहली बार हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकाला मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम, तो मार्केट ने वो रिएक्शन दे दिया। अच्छा आईवी को मैं बार बार कह रहा हूं, आईवी इंपैक्टफुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो मार्केट उड़ जाता है डायरेक्टली, वो उड़ जाता है फिर वो काम नहीं कर सकता है। अच्छा यहां पे आईवी मान लीजिए हो सकता बढ़ गई हो, या यहां पे सिनेरियो बदलाओ, तो यहां पे दोबारा आया तो भी मार्केट ने निकलने का मौका दिया, कितने बजे दिया 1:15 के आसपास, 1 बजे के पास, आज आप मार्केट कह रहा था मैं ऊपर जा रहा हूं, तो क्या कारण मौजूद था, चलिए वापस वहीं पे, यहां तक तो ये हो ही गया और मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए हिस्टोरिकल पे चलते हैं वापस, ये तरीके हैं भैया, ये देखिएगा वापस आइए, ये प्रैक्टिस कराता हूं इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस किया कीजिए, तभी मैंने आपको कहा 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए भैया, सभी लोग मेहनत कीजिए। अभी ये सुबह का मार्केट था, 9 हमने बनाई थी कि ऑलमोस्ट 9:20 पे पहली बार हमने लाइन बनाई, उसने काम कर दिया हमारा, जो हमने टॉप कराया वहां से 110 पॉइंट मार्केट गिर गया, लेकिन अब क्या 1 बजे के आसपास मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि इसको ब्रेक करा, उसके लिए कारण ढूंढिए, कारण है 1 बजे चले, चलिए आप तो सीधा ही चलिए यहां पे आ जाइए 1 PM पर, क्या अब इधर नजर मार लीजिएगा, पहले अभी सपोर्ट है 23,300 पे, रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा है यहां पे तो थोड़ा शिफ्टिंग हो गई होगी शायद, मुझे लगता है एक बार थोड़ा देख ले, पहले देख ले थोड़ा सा 11:20 के जाए 9:30 पे चलेंगे पहले, एक बार 9:30 पे क्या हुआ था, जो 10 मिनट आगे देखेंगे, 10 मिनट तो बहुत कुछ हो जाता है इस मार्केट में, मैं 10 मिनट पहले आगे ले रहा हूं, उसके बाद में उसको उस वक्त लूंगा। क्या रहा है वैल्यू 9 AM और चल 9:10 सॉरी 9:30 करनी थी ना मेरे को, तो 9:20 ली थी, 30 करनी थी, मदद कर अच्छा ये यहाँ पे 99% ऑलमोस्ट इसको स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है, देखिए यहाँ 99% ऑलमोस्ट यही वैल्यू इसलिए हिट करके जा रहा था वापस, जो हमने बनाई थी वो ये इसलिए हिट कर रहा था, और ये मार्केट अभी भी 9:20 ऑलमोस्ट यहाँ पे वही कंडीशन है, शिफ्टिंग कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, शिफ्टिंग कुछ हुई है क्या, थोड़ा स्लो बढ़ाना, हाँ हो गया था, चलो ये एक बार स्ट्रांग हो गया था तो चलो ये काम स्ट्रांग के हिसाब से प्रेडिक्शन हो गया, यहाँ पे सब कुछ ओके है, और ये बाद में कुछ हुआ जो बाद में हुआ है, तो मार्केट में ये वाली लाइन हमारी ओके रही है, ये जो बता रहा है आपको वैल्यू वही मार्केट में वैल्यू निकली हुई है, और मार्केट में धीरे धीरे सीधा 1:00 PM ले लेते हैं सीधा, क्या है सपोर्ट क्या है, तो 22,300 पे विक्टर टॉप, और रेजिस्टेंस अभी वैसे देखा जाए तो 24,400 पे है, लेकिन ये यहाँ पे रोक रहा है तो मार्केट में ऐसी कोई संभावना नहीं है, मार्केट यहीं कहीं पे घूम रहा है,
तो चलो हमने वो जो वैल्यू निकाल रखी है वो है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है, सपोर्ट एक जगह पे नहीं है, उसमें भी कंफ्यूजन है, उसको कर लेते हैं फिल्टर। कहां पे चला गया भैया सपोर्ट? 500 पे, 500 पे सपोर्ट चला गया, लेकिन अभी 100% शिफ्टिंग नहीं दिया वॉल्यूम ने, तो यहां एक डर का माहौल तो बना रखा था मार्केट में। शिफ्टिंग ये ऊपर ऊपर होती गई, अब मार्केट यहां पे ओआई को देखिए 4,39,000, यहां पे 3,86,000 और मार्केट इस वक्त यहां पे खड़ा है, ठीक है। और यहां पे अब हम लोग देखेंगे ये ओआई 6,29,000, यहां पे 1,00,000 का डिफरेंस था, तो मार्केट यहां से एक बार अपने जो पहले वाली वैल्यू थी जो शुरू में हमने लाइन बनाई वो लाइन पे आते मार्केट में रिएक्शन दिया, एक अपना रिएक्शन दिया मार्केट ने, या नहीं दिया इसका कारण बताइए, दिया या नहीं दिया कारण बताइए पहले, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं उसको समझे कि नहीं समझे, नहीं देगा रिएक्शन, पूछे क्यों, दे चुका ऑलरेडी, मैं इसलिए आपकी परीक्षा ले रहा था भैया। मार्केट में शिफ्टिंग ऊपर हो गई है, रेजिस्टेंस ऊपर हो गया है, इधर से ये शिफ्टिंग हुई, बुल रन बन चुका है, तो मार्केट उड़ेगा 563, और अगर फिर ये 80% वीक टू टॉप हो गया 80-85 ये भी, तो मार्केट यहां तक जाने की संभावना है 600 से ऊपर क्रॉस, ये शिफ्टिंग हो गई तो मार्केट यहां तक जाएगा 650 तक, इसलिए जाएगा। अब इसको फिर आगे देखिए, इसका मतलब ये यहां शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये यहां से वीक टू टॉप फिर बन गया होगा, फिर वीक टू टॉप बन गया तो उड़ता रहेगा मार्केट, तो जहां तक उड़ने का मिलेगा उड़ेगा मार्केट, देखिएगा। अब समय बढ़ा दीजिए, 2:24, मार्केट 588 पे, ये देखिए 600 पे वीक टू टॉप हो गया, यहां पे भी 100% होने की उम्मीद है, फिर यहां वीक टू टॉप होने की उम्मीद है, अगर ये शिफ्ट हो गया फिर वापस होगा तो मार्केट यहां तक है 643 तक, तो मार्केट जाएगा ही जाएगा आज की डेट में, 643 तक मार्केट गया या नहीं गया उस पर देख लीजिए, ये सब कारण आपको जब मेहनत करोगे ना तब पता चलेंगे, जब मेहनत करोगे हिस्टोरिकल डेटा सब कुछ बहुत आसान दिखता है। चलिए निफ्टी का चार्ट देखिए, चार्ट नहीं आया क्या, चलिए निकालते हैं दोबारा, तो अब देख लीजिए इसमें अपलाइन हमने डेट तो निकाल ही रखी थी ऑलमोस्ट पहले से ही, ये देखिए 627 वही तकरीबन 49 के आसपास बता रहे थे मार्केट वहां तक, तो ये ऐसे प्रैक्टिस जब आप कंटिन्यू करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, मेरे वीडियो देखने से या मेरे को, मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्शन मार्गदर्शन दिखा सकता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपकी अपनी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस दिलाएगी इस मार्केट में, क्योंकि यहां वो जो पहले इतिहास दोहरा रहा वही इतिहास दोबारा दोहरा रहा है, समझ में आना चाहिए, LTP कैलकुलेटर बहुत आसान है मेरे साथ, सिर्फ 6 महीने कहता हूं वैसे करते रहिए, और नहीं समय तो निकालिए समय को, 24 घंटे की जगह 26 घंटे पैदा कर दीजिए समय में, या वो भी सिखाऊं कि 24 घंटे को 26 घंटे कैसे बनाया जाता है, बनाता हूं मैं, मेरे 24 घंटों को 26 घंटे बनाने की ताकत रखता हूं मैं, ये ताकत जिस दिन आ जाएगी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, नहीं तो मार्केट में जो आपके साथ बीता हुआ कल है, जो आपका बीता हुआ कल है वो आने वाला कल भी वैसा ही होगा आपके साथ में, ये ध्यान रख लीजिएगा, जो बीता हुआ कल है वो आने वाला कल वापस बन जाएगा, इसलिए अगर अपना अपना भविष्य बदलना चाहते हो, अपना भाग्य बदलना चाहते हो, तो कर्म अच्छे करो, मेहनत कर डालो, मैं ये कहने के लिए कह रहा हूं, मार्केट में इसलिए दोबारा आया था आज, 2 क्लासें दी, एक क्लास दी आपको एक भी थोड़ी देर पहले मैंने, उसको देखो इसको देखो और फिर आप जाके प्रैक्टिस करो खुद, मैं इसीलिए आया था इतनी देर के लिए, इसीलिए मैं आया था कि आप लोगों को मैंने कहा था 3 दिन छुट्टी है, क्या आप लोग मेहनत कर रहे थे, मैं तो छुट्टी पे था ना, फिर भी आया ना आप लोगों के लिए, बैठ जाता चुपचाप सो जाता कहीं घूमने निकल जाता, लेकिन आप लोगों के लिए वापस याद दिलाने आया हूं ये भैया हिस्टोरिकल मेहनत कीजिए, ठीक है, अब जाके लग जाइए, आपको पहले ही कहा था 50 घंटे 3 दिन में मेहनत करनी है, आप लोग सो रहे होंगे सब लोग कि सर तो क्या हो गया, बोल गए चलो परसों लाइव में आएंगे सर बताएंगे वहां से ट्रेड मार देंगे, बस मेहनत गई तेल लेने, जैसे स्कूल के अंदर बच्चा जाता है टीचर बहुत समझाता है, अरे कोई बात नहीं मैडम 2 डंडे मार लेगी और क्या करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे ना सर, 2 डंडे मार लेंगे,
लेकिन वो जिंदगी में वो दो डंडे पड़ते हैं, वो जिंदगी में खाने के बजाय जो व्यक्ति मेहनत करके गुड लाता है ना वो सफल कहलाता है। बस इस बात को याद रखिएगा, इंट्रोडिकल प्रैक्टिस कीजिए। बस इसीलिए आज 3 दिन छुट्टी करने के बावजूद वापस आया हूँ। कल छुट्टी कर दी थी मैंने कि नहीं आऊंगा, आज मुझे वापस याद दिलाने आना पड़ा आप लोगों को। कीजिए अभी भी 50 घंटे दिए थे कंटिन्यू मेहनत हिस्टोरिकल करने के लिए, जाके कीजिए अपनी अपनी मेहनत पर्सनल। ठीक है, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, LTP पे मेहनत करके सब कुछ मिल जाएगा, इससे बढ़िया क्या दे सकते हैं। विनय सर ने 10 साल की तपस्या ये LTP कैलकुलेटर आपको दे दिया, आपको सिर्फ को पढ़ने में और इसकी मेहनत करने में जो रहा है, उस बंदे ने 10 साल इस पे अपनी जिंदगी खपा दिए, अपनी जवानी खपा दी इस कैलकुलेटर को बना के और आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। आप खाली पढ़ने के लिए 1 साल नहीं दे पा रहे हो। आज वो व्यक्ति करोड़ों कमाता है, 3 साल पहले 4 साल पहले उसके पास भी कुछ नहीं था, वो भी 500 रुपए मांगने पर मजबूर था। 4 साल पहले कोई 500 नहीं देता था, आज उसको करोड़ों रुपए का करोड़ वारिश है वो, और वो हम जानते हैं आज उसकी सफलता है। लेकिन वो आपको कह रहा है 1 साल हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूं 1 साल हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर लो, अपना इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, दोस्तों में घूमना बंद कर दो। अरे पैसा होगा यार, दोस्त फैमिली रिश्तेदार सब पीछे पड़ेंगे, सब आगे पीछे डोलेंगे जब आपके यहां पैसा होगा। 1 साल आपको गुमनामी की दुनिया में ले जाओ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रताप ये आ गया, देखिए नीचे लिखा हुआ मेरे यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक में आ जाता है कभी कौन सा यूट्यूबर यहाँ पे हमारे उसको जैसे क्या करते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके मैसेजे चालू हो जाते हैं, मैं भी हूं, मुझसे भी सीखो, मुझसे भी सीखो। अरे खुद तो मेरे दुनिया को सिखा सकते हो, साल भर मेहनत कर लो, खुद सिखा सकते हो। मैं इतना मेरे जैसा ढीठ नहीं मिलेगा आपको सिखाने वाला, मतलब जो ढीठ तरीके से सिखा रहा हूं, वरना मुझे क्या जरूरत थी पैसा देने के लिए, दुनिया उमड़ रही है मेरे को, फिर भी आप लोगों का साथ दे रहा हूं। फिर भी नहीं समझो तो भैया देखो अंत में आपके साथ के लोग आगे निकल जाएंगे। कल फिर जब पता चलेगा कि भाटी जी आज लाखों रुपए कमाते हैं, हैं, और अब हमारे कई लोग हैं, नाम बोलू मैं, नागेंद्र जी मान लीजिए जो मेहनत कर रहे हैं, उधर हमारे अभी हरि सिंह जी भी मेहनत कर रहे हैं, और पटेल सर भी मेहनत कर रहे हैं पता है मुझे, और जो नाम मुंह पे ध्यान है, कैलाश बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है, कालू बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है वो। अभी वो नए नए हमारे जुड़े थे, क्या नाम था उनका, वो अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, 1.5-2 साल से लग रहे थे, लेकिन मेरे साथ आते उनको पता चल गया कि मेहनत बहुत ज्यादा है भैया, खाली थोड़ी सी मेहनत से कुछ काम नहीं बनने वाला है। 24 घंटे में से जितना ज्यादा समय हो इस पे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस पे बीता हूं अपना, वो ये खुद कम पढ़ने लग गए उनके पास में अब समय, जब वो करने लगे तो उन्हें लगा इतनी सी मेहनत हो रही है क्या, और आप लोगों को लगता है घंटे 2 घंटे कर ली, बहुत मेहनत कर ली, वो 10-10 घंटे कम पढ़ रहे लोगों के पास में मेहनत करते करते भी, मेरे पास समय कम पड़ता है इतना प्रैक्टिस करते करते भी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सफलता जरूर कदम चूमेगी। जय सियाराम, राधे श्याम, सीताराम, और कहिए आप हिस्टोरिकल की प्रैक्टिस, यही निवेदन करूंगा, वरना कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है जिसको घोल के पिला दूंगा, आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत बदलेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।